और उधर पाकिस्तान जाने की फिराक में लगी नाबालिग लड़की का मामला भी सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान एजेंसियों के भारत में हनी ट्रैप का जाल फैलाने का शक जाहिर किया गया। दरअसल पुलिस की जांच में पर्दाफाश हुआ है कि पाकिस्तान के जिस असलम लाहौरी के ट्रैप में 12वीं क्लास की छात्रा फंसी थी, इसी नाबालिग स्टूडेंट की कक्षा में दो और छात्राओं के भी संपर्क में पाकिस्तान का असलम लाहौरी था। लाहौरी ने तीनों को दोस्ती के जाल में फंसाया था। जांच करेंगे और इसकी और भी एक दो जो क्लासमेट्स हैं उनके भी ये बताइए कि उनकी भी दोस्ती है वहाँ। अब जांच एजेंसियां लाहौरी का सोशल मीडिया अकाउंट और प्रोफाइल खंगाल रही हैं। एजेंसियों को शक है कि छात्राओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की भूमिका की भी जाँच हो रही है। और ये पूरा मामला तब सामने आया था जब राजस्थान के सीकर के पास रहने वाली नाबालिग लड़की पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंची और जिसे सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की के पास दस्तावेज भी नहीं थे। पुलिस के मुताबिक सीकर जिले की रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की बिना पासपोर्ट और वीजा के पाकिस्तान जाने की फिराक में थी। बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लाहौर के रहने वाले असलम नाम के एक लड़के से उसकी एक साल पहले दोस्ती हुई थी। चैटिंग के दौरान ही असलम ने उसे पाकिस्तान आने को कहा। असलम ने ही उसे पाकिस्तान कैसे आना है ये भी बताया। असलम के बहकावे में आकर नाबालिग लड़की घर से बिना बताए चौमू से बस में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां से वो पाकिस्तान जाना चाहती थी। और एयरपोर्ट पर जब नाबालिग लड़की को पकड़ा गया तो उसने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। लड़की से पाकिस्तान जाने की वजह पूछी गई तो उसने पुलिस को एक कहानी बताई। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो 3 साल से राजस्थान में अपनी बुआ के पास रह रही थी और बुआ से अनबन के बाद वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। लड़की ने बताया कि उसकी बुआ श्री माधोपुर में रहती है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में यह दावा झूठा साबित हुआ। लड़के ने इसको बता रखा था कि आपको क्या बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताओगी, तो वो अभी इंटरोगेशन किया है तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा बताने से आपको पाकिस्तान भेज देंगे पुलिस वहाँ की। बुआ वाली फर्जी कहानी के पीछे पाकिस्तान में बैठे असलम का ही हाथ था। उसे लगता था कि अगर ऐसी कहानी बनाई जाएगी तो पुलिस लड़की को पाकिस्तान भेज देगी, लेकिन पुलिस ने पता लगाया कि लड़की के दावे को भी असलम ने गढ़ा था। पुलिस ने हर दावे की जाँच की, जिसके बाद पूरी सच्चाई सामने आई। पूछताछ के बाद लड़की को उसके घर वालों को सौंप दिया गया। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी बाढ़ के पानी ने उत्पात मचा दिया है, क्योंकि वहां की हाफ नदी में आई बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक अब जा पहुंचा है, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों का जीना इस वक्त मुहाल हो चुका है। क्योंकि उस अफंती नदी के पानी ने आसपास के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया, जिससे वहां के गली कूचों में नदी बहने लगी। लोगों के घर, खेत और मंदिर सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गए। कई घरों का निचला हिस्सा पानी में डूब गया और उसमें रखा सामान तहस नहस हो गया। हर तरफ मौत का खतरा मंडराने लगा, इसलिए लोग सामान की चिंता छोड़ अपनों का हाथ थामे सुरक्षित आशियानों की तलाश में निकल पड़े। कई जगह तो हालात इतने खराब हो गए कि कहीं गर्दन तक तो कहीं घुटने और कहीं कहीं तो कमर तक पानी भर गया। वहां से एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जहां नदी का रौद्र रूप दिखा। अगर ऐसे में बारिश फिर शुरू हुई तो कई और इलाके पानी में पूरी तरह डूब जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक गाड़ी अनियंत्रित होकर एक बांध में समा गई, जिसकी वजह से उसमें मौजूद 3 लोगों की जान चली गई। और इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, क्योंकि भारी बारिश और कोहरे की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और उसमें मौजूद 4 में से 3 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में गाड़ी में मौजूद केवल एक आदमी की जान बच पाई, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया गया कि ये लोग पुणे के पास घूमने गए थे, तब ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे के बाद सभी का शव बरामद कर लिया गया। और देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी राज्यों में तो जमीन खिसकने और बादल फटने की घटनाओं ने इस वक्त कोहराम मचा दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने के बाद भयानक तबाही आ गई। वहां बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के हिस्से को बहा कर ले गया। और वहां से सामने आए एक वीडियो में नदी के रौद्र रूप से लोग सहम गए। बादल फटने की वजह से अनंतनाग के गांदरबल इलाके में बाढ़ आ गई, जिसका एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से सड़कों पर बहता दिखा। इतना ही नहीं, इस इलाके में आई बाढ़ की वजह से कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि अचानक तेज बारिश शुरू होने के बाद पानी के साथ बहकर मलबा आ गया और उसने निचले इलाके में बने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में प्रशासन ने सड़क पर गिरे पत्थरों को क्रेन और मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद से हटाया और आसपास के मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया।